हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 3 अक्टूबर को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे आप डील कर सकते हो। अब बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने और किस तरह मार्केट ने बिहेव किया। हमारा डिस्कशन था मार्केट की ओपनिंग कहीं ना कहीं 25,800 के आसपास पॉसिबल है, और ये लेवल होल्ड करता है तो फिर हम लोग पहला लेवल ऊपर का 880 देखेंगे और दूसरा 920 देखेंगे, और 920 जब होल्ड करेगा तभी मार्केट को हम लोग ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में कहीं घूमता हुआ नजर आएगा। 800 अगर ब्रेक करता है तो नीचे का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 750 का डिस्कस किया था, 25,750 तक मार्केट जा सकता है, और ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे जाते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट इसी रेंज में रह गया। देखो सिंपल सी बात है, दो दिन, एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मार्केट अगर एक्सपायरी से दो दिन पहले मूव कर जाता है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये ध्यान रखना, दो दिन पहले अगर मार्केट मूव करता है और मार्केट दो दिन पहले कंटिन्यू मूव किया है, आप लोग ध्यान दोगे तो दो दिन पहले मूव अगर करता है तो एक्सपायरी के दिन अच्छे खासे आपको मूव्स या मार्केट ट्रेंडिंग नहीं दिख सकता है। ठीक है, ट्रेंडिंग नहीं दिखेगा, कुछ स्पाइक्स आएंगे, कुछ कैंडल्स होंगे, वैसे कुछ मूव्स मिले नो डाउट, बट आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। और इसका इफेक्ट जो है आपको दूसरे इंडेक्स में भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोग अभी निफ्टी डिस्कस कर रहे हैं, बट निफ्टी में भी वैसा इफेक्ट हुआ। खैर अब सिंपल रखते हैं, नीचे का आप लोग ध्यान रखो 25,750-60 का ही लेवल, ये लेवल, और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो 840 का लेवल आपको ध्यान रखना है, 25,840 का, 840 निकालता है तो अगेन 920 का पहला लेवल आप देखोगे, और 920 निकालने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, जो 960 और 26,000 भी हो सकता है, 26,000 निकालता है तभी ऊपर के अच्छे मूव देखे जा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट को नीचे लाने की फिर से कोशिश की जाएगी। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 760 ब्रेक करता है तो नीचे 700 का लेवल हमारा है, 25,700 ये ब्रेक करता है तभी नीचे के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसकी एक्सपायरी वेन थर्सडे को है ना, ये याद रखना आप लोग, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी हो गई तो वेंसडे को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता है कि एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी, फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा। और मैंने रेनबो सेटअप जो है आप लोगों को हेज जीरो हीरो प्रोवाइड कर दिया है, तो वो खुद भी देखो और दोस्तों को भी दिखाओ और सीखने दो। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, ओपनिंग लेवल 52,900 के आसपास होगी और ये लेवल होल्ड करता है तो मार्केट को हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे, और ये ब्रेक करता है तो नीचे जो हमारा लेवल होगा 800 का लेवल होगा, 800 ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगे, 52,800 ब्रेक करेगा तभी सोचेंगे, और 52,800 अगर होल्ड कर जाता है तो मार्केट को हम लोग कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में घूमते हुए देखेंगे। इसी डायरेक्शन में मीन्स क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन का मतलब होगा कि मार्केट इधर ही घूमता रहेगा, इधर ही इसी रेंज में, इधर ही, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ एक सपोर्ट हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि ऊपर जब तक ये सारे लेवल नहीं ब्रेक करते हैं अच्छे मूव देखने को नहीं मिलेंगे, और मार्केट 53,100 तक गया, 200 तक भी गया बट होल्ड नहीं किया, पहला कैंडल ही नीचे रिजेक्ट होकर आया और फिर मार्केट इधर ही घूमता रह गया। तो फिर से मैं ये आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर मार्केट मूव कर जाता है एक्सपायरी से दो दिन पहले तो फिर एक्सपायरी के दिन आपको कुछ मूव मिलेंगे नहीं। कल 3 अक्टूबर के लिए सिंपल रखो स्ट्रैटेजी को, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखना है, पूरा मार्केट इसी कैंडल में ही आज घूम गया है तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को और भी छोटे लेवल दे देता हूँ, 53,100 ऊपर का ध्यान रखो और नीचे अगेन नीचे 52,800 का ही ध्यान रखना है। इस 300 पॉइंट में मार्केट
आपको स्कैल्पिंग करते हुए नजर आएगा, स्कैल्पिंग में ही आप मार्केट को रख सकते हो। ये लेवल ब्रेक करता है तभी अच्छे मूव्स आ सकते हैं, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाता है, होल्ड करता है, फिर ऊपर निकलता है, ऊपर निकल जाता है। उसी तरह मार्केट नीचे आता है, होल्ड करता है, फिर अगर फॉलो इसको करना हो तो फिर ये ब्रेक करके नीचे आता है। अदरवाइज इसमें है बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड करके अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी थी, तो हम लोगों ने क्या लेवल डिस्कस किया था और मार्केट देखोगे किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। और अगेन यहाँ भी वही कहानी रही, मार्केट लेवल में घूमता हुआ नजर आ गया, बल्कि लेवल नेक्स्ट डे इट मीन्स 3rd अक्टूबर के लेवल ध्यान रखो, ऊपर के लेवल ये ध्यान रखो आप 24,550 और नीचे 24,450 का। ये दोनों में से जो भी ब्रेक करता है, होल्ड करता है, ट्राई सेक्शन बना के निकलता है ऊपर तो ऊपर जाएंगे, और मार्केट नीचे आता है ट्राई सेक्शन बना के नीचे जाता है तो फिर आपको नीचे के बारे में सोचना चाहिए। तो सिंपल से लेवल से हमारे और भी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा सफिशियंट है और ज़्यादातर ट्रेड जो है इसमें ही की जाती है, बाकी जो भी बैंक एक्स सेंसेक्स मिड कैप जो है उसमें ट्रेड जो है एक्सपायरी नहीं किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखो, और कोई भी किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट होता है तो डाउट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ताकि जो डाउट है उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या कमेंट में करूँ, मैं आप लोगों को पता है कि डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।